मैं गुरनीत और स्वागत है आपका। आइए जानते हैं क्या होगा एंटरटेनमेंट नाउ में आज। यूनिसेफ ने इस सितारे को बनाया सेलिब्रिटी एडवोकेट। किसानों के हक के लिए सामने आए ये पंजाबी सितारे। बॉलीवुड और बॉलीवुड के लेजेंड्स के बारे में कुछ बड़ी खबरें। और पार्लियामेंट में जया बच्चन के धमाकेदार बयान के बाद हर जगह हो रही है चर्चा। यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ ने अपना फॉरएवर चाइल्ड अभियान के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट चुना है, जिसके अंतर्गत बच्चों के प्रति हिंसा को खत्म करने में यूनिसेफ की सहायता करेंगे आयुष्मान। मशहूर सिंगर अनुराधा पोटवाल जी के बेटे आदित्य का 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे काफी समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। आदित्य एक म्यूजिक अरेंजर और प्रोड्यूसर भी थे और उनकी मौत की खबर के बाद लता मंगेशकर और पंकज उदास जैसी संगीत की दुनिया की और बहुत सी मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत पर शोक जाहिर किया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में किए गए चेंजेस को किसान विरोधी बताया गया है। इन नए उपायों का विरोध करने और किसान के लिए आवाज उठाने में अब बहुत से मशहूर पंजाबी सितारे भी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने अपने विचार रखते हुए बब्बू मान और रंजीत बावा के बाद एमी विर्क, दिलजीत दोसांझ, गुरनाम पुल्लर और मनमोहन वारिस जैसे बहुत से बड़े पंजाबी कलाकार अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। उधर पंजाबी सिंगर कुलविंदर बिल्ला ने कोरोना वायरस से ठीक हो जाने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट किया है और साथ ही में औरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया है। कई नामों को पहचान की जरूरत नहीं होती और महानायक अमिताभ बच्चन और गोल्डन स्टार मलकीत सिंह कुछ ऐसे ही नाम हैं। इन दोनों ही लेजेंड्स के बारे में कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। खबर है कि अमिताभ बच्चन अमेज़न की वॉइस असिस्टेंट सर्विस एलेक्सा की इंडिया में आवाज बनने जा रहे हैं। ऐसा करने वाले वे देश के पहले सेलिब्रिटी होंगे। इस सर्विस का नाम भी बच्चन एलेक्सा रखा गया है और देश में इसकी शुरुआत अगले साल से की जाएगी। वहीं खबर ये भी है कि सालों से गायकी के जरिए दुनिया का दिल जीतने वाले मलकीत सिंह जल्द ही एक्टिंग में अपना हुनर आजमाने वाले हैं। लेक गेम ऑफ डेस्टिनी नाम की इस फिल्म में जल्द ही एक्टिंग डेब्यू देंगे मलकीत सिंह। मूवी की रिलीज डेट तो नहीं बताई गई, लेकिन पोस्टर जरूर निकाल दिया गया है जो कि मलकीत जी ने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया। अमिताभ बच्चन के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी और खुद भी बॉलीवुड की दिग्गज रही जया बच्चन भी आजकल सुर्खियों में है। दरअसल सोमवार को भोजपुरी स्टार रहे और अब गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने लोकसभा में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बयान दिया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों का की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते, और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। रवि किशन के इस बयान पर जया बच्चन ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा है कि मनोरंजन इंडस्ट्री के लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं और ये इंडस्ट्री हर बार सरकार की मदद के लिए आगे आती है, इसके बावजूद इसे गलत व्यवहार किया जाता है। जया यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे रवि किशन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री की इमेज खराब नहीं की जानी चाहिए। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना अच्छी बात नहीं है। दिस इंडस्ट्री ब्रिंग्स इंटरनेशनल नेम एंड रिकॉग्निशन आल्सो अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पीपल। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. Jis thali mein khate hain, usme chhed karte hain. Galat baat hai. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. खैर, जया बच्चन के इस बयान का बॉलीवुड के सितारों द्वारा बढ़ चढ़ कर समर्थन किया जा रहा है और इस बयान के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में कहा है कि एनसीबी को बॉलीवुड और ड्रग ट्रैफिकर्स के बीच संबंध होने के कोई खास सबूत नहीं मिले। सारी मुश्किलों को रास्ते से हटाते हुए रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के 14th सीजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। ग्रैंड प्रीमियर की तारीख का ऐलान आने वाली 3 अक्टूबर को किया गया है। शो की थीम के बारे में तो साफ साफ नहीं बताया गया, लेकिन प्रोमो में सलमान खान 2020 की प्रॉब्लम्स को चकनाचूर करने की बात कर रहे हैं, जिससे लगता है कि ये सीजन वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया होगा।
होगा चकनाचूर, टेंशन का उड़ेगा फ्यूज, स्ट्रेस का बजेगा बैंड, होपलेसनेस की बजेगी पुंगी, अब सीन पलटेगा क्योंकि बिग बॉस देगा 2020 को जवाब। भारत के सबसे पहले टीवी सर्विस प्रोवाइडर दूरदर्शन ने जहां अपने 61 ग्लोरियस ईयर्स पूरे किए, वहीं हाल ही में कोविड लॉकडाउन के बाद छोटे पर्दे की शूटिंग्स भी शुरू हुई, जिसके बाद मनोरंजन के इस नए पिटारे में आइए जानते हैं कौन सा चैनल कौन सा नया शो लेकर आ रहा है। एपिक टीवी पर प्रसारित होने जा रहे परिक्रमा डिस्कवरिंग इंडियन टेम्पल्स नाम के इस शो में देश में मौजूद मशहूर मंदिरों की यात्रा करवाई जाएगी। वहीं कॉमेडी सीरियल एक्सक्यूज मी मैडम का सीजन 2 चैनल स्टार भारत पर बीते मंगलवार से शुरू हो चुका है। इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स नाम का ये शो नया तो नहीं है, लेकिन इसमें हिंदी सिनेमा के एक बड़े कलाकार की एंट्री जरूर नहीं हो रही है। बीते मंगलवार सिर्फ एक एपिसोड के लिए डिस्कवरी के सभी चैनलों पर एक साथ प्रसारित होने वाले इस एपिसोड में फिल्मों के खिलाड़ी अक्षय कुमार इस शो में पुराने खिलाड़ी बेयर ग्रिल्स के साथ नजर आए। एंटरटेनमेंट नाउ में आज इतना ही, और अपडेट के साथ फिर होगी मुलाकात। गुरनीत को दीजिए यहीं पर इजाजत। टेक केयर एवरीवन, टिल वी मीट अगेन।